Yeah, my company now in Yahoo and Master already the installer done by me. But कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसे हैं सर? बिल्कुल अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे ही आपने पेशेंट गुइया की थी वैसे ही तकरीबन हो रहा है। आपकी एक पेशेंट गुई और भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पीटीए को खुश आमदीद कहा है कि आज ये मुजाकरात खुश आमदीद है मेरी तरफ से, क्योंकि उनकी मजलिस से शुरू आज इजलास हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना ने बहुत सख्त बातें भी की है, उन्होंने नए इलेक्शन का इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है कि नए इंतखाबात हों और एस्टेब्लिशमेंट का इंतखाबात से दूर रहे। कैसे देखते हैं आने वाले हालात को? मतलब जो जुलाई है बहुत सख्त होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, लग ये रहा है कि मौलाना लीड करेंगे, पीटीआई के जलसे जुलूस भी होंगे। यही दिख रहा है मुझे भी अभी कि जुलाई काफ़ी सख्त होगा और ये आपको रिजल्ट जो है इसी हफ्ते से नज़र आएंगे। अभी तो वीक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक कोई ऐसा एक नया एक इनकलाबी हरकत हो सकती है, या कुछ आप बोल सकते हैं कोई नई मुहिम स्टार्ट हो सकती है जो अभी दिख नहीं रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 जुलाई एक ऐसा दिन है जिसमें बहुत ज़्यादा इंतशार होने का खतरा है। तो पब्लिक बिल्कुल सामने होगी और गवर्नमेंट के अपोजिट ही होगी, तो ये जो रोड पे जलसे जुलूस हैं ये डेफिनेटली दिखते हैं मुझे। सर एक तरफ मौलाना साहब और पीटीए का इतिहाद होने जा रहा है जैसे मौलाना साहब ने खुशामदीद कहा, दूसरी तरफ महंगाई और बिजली के जो बिल हैं जो आवाम तंग है, लग ऐसे ही रहा है कि एक दफा फिर लॉन्ग मार्च और मौलाना साहब की कॉल होगी और अब पीटीआई की सपोर्ट भी मौलाना के साथ होगी तो हुकूमत के लिए चीजें तो मजीद मुश्किल हो जाएंगी। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो इंसाफ का तराजू शुरू हो जाएगा, इंसाफ शुरू हो जाएगा क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन इसकी अभी भी चाल चलनी है जो कि 2 तारीख से चलेगी। अभी भी ये स्टेशनरी पोजीशन में, स्टेशनरी का मतलब ये है कि ये जिधर था वहीं का वहीं है। जब ये रेट्रोग्रेड स्टार्ट होगा ना तब आपको इसके असली रिजल्ट निकलेंगे। तो अभी भी मतलब 1-2 दिन आपको ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, यह इंसाफ जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। 2 तारीख के बाद से आपको ऐसा लगेगा कि हालात अब बदलना शुरू हो गए हैं, हवाएं डिफरेंट चल रही हैं, हवाओं का रुख बिल्कुल बदल गया एकदम से, तो वो आपको 2 तारीख के बाद से नजर आएगा। सर 2 तारीख से आप कह रहे हैं कि हवाओं का रुख बदलता शुरू होगा, तो मतलब ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका वक्त बहुत करीब आ चुका है कह सकते हैं। अगर ये डायलॉग पे चले गए तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ डायलॉग डायलॉग डायलॉग, अगर ये मैं जैसे बता रहा हूँ ये जो सोच रहे हैं इनके लोगों को सड़कों पे लेकर आ जाएंगे, धरने करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इसका हासिल वसूल नहीं होगा, इसका हासिल वसूल नहीं होगा। इसका हासिल वसूल उस सूरत में होगा जब ये डायलॉग पर आ जाए, ठीक है लॉन्ग मार्च करें लेकिन पुरअमन एहतजाज। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पुरअमन नहीं होता, यहाँ पे मारधाड़ होती है और वो तोड़ फोड़ होती है जिसकी वजह से ये एक नए मसले में आ जाएंगे। यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, पुरअमन एहतजाज भी काम कर सकता है लेकिन डायलॉग इज द बेस्ट वे, क्योंकि यही इनके इस वक्त जायचे में है, इसलिए मैं डायलॉग की बात कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई डायलॉग का वो नहीं है। अगर ये एक्शन बेस्ड थ्योरी पे जाएंगे ये फंस जाएंगे, एक्शन बेस्ड थ्योरी इनके लिए खतरनाक है और सबके लिए खतरनाक है। सर आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, पीटीआई के पास इस टाइम डायलॉग के 2 रास्ते हैं। मतलब एक तरफ ख्वाजा आसिफ का बयान देखे तो वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो करे। जिस तरह का मौलाना साहब ने खुशामदीद कहा पीटीआई को, तो अब पीटीआई एक जमहूरी रास्ता अपनाएगी कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करेगी या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेगी? कैसे देखते हैं 2 मुज़ाकरात के अलग अलग रास्ते हैं? देखिए मुज़ाकरात का तरीका तो इनको अभी दूसरे वे से करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के साथ करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो फिर ये डील होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये फिर डील हो जाएगी। तो मुज़ाकरात का जो चैनल है मुझे लगता है कि इनको दूसरे तरीके से करना चाहिए, जैसे ये महमूद जो हैं इनके कोई जी अच्छा साहब जी 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 इनके थ्रू और इस तरह के थ्रू अगर ये मौलाना के साथ से करते हैं, ये तो पॉलिटिक्स है एक्चुअली, पॉलिटिक्स में कुछ भी चलता है। तो पॉलिटिकल वे में अगर करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल वे में ही ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट डील में तो ये करेंगे भी नहीं। ये मुझे नहीं दिखता कि इमरान खान डायरेक्ट डील कर लेंगे। सर अगर मैं बात करूं, अगर मौलाना साहब और पीटीआई महमूद अचक सही और छोटी जमातें एक साथ खड़ी हो जाती हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो जाती है,
तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ज्यादा देर गवर्नमेंट के साथ रह पाएगी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पीपल्स पार्टी तो अभी आपको ऐसे ही दिखेगा कि वो जिस पार्टी का जोर होगा वो उन्हीं के साथ होंगे, तो पीपल्स पार्टी तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से अभी बैकआउट कर जाएंगे। आपने देखा भी होगा ये जो बजट आया था उसमें भी उन्होंने बैकआउट कर दिया था, तो वो तो फिर उनके अगर जो डील्स हैं उनकी मानी जाएंगी तो वो उनके साथ हो जाएंगे, डेफिनेटली यही दिखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है कहीं इनके साथ मिलेगी। वो बोलते हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ जो बड़ा इंसाफ के पसंद हों और जो बड़े रूल्स रेगुलेशन से चलते हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं नून लीग के साथ ही रहेगी। मजबूरी बन जाएगी उनकी नून लीग के साथ रहने में, तो लगता ये है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब टाइम दोबारा रिवर्स की तरफ जा रहा है। जी ऐसा ही है, मैंने आपको कहा था कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा जिन्होंने नाइंसाफियां की होंगी, दो नंबरी की होंगी, वो कानून के कटहरे में आने वाले हैं। तो आप देख लें अभी अभी के हालात से महसूस हो जाएगा कि स्कैंडल्स निकलेंगे। अभी आपको ये भी मैंने आपको बोला हुआ, स्कैंडल्स भी बहुत नजर आने वाले हैं, स्कैम्स भी बहुत नजर आएंगे। ये सब उनके लिए होगा जिन्होंने पिछले 6 महीने में नाइंसाफियां बहुत की हैं, तो ये चीजें अभी यहाँ से लेके टिल नवंबर तक आपको आराम से नजर आएंगी। ये नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ तो आज के आज हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। सर अगर थोड़ी सी बात आपसे अदलिया पे कर लें, काजी फाइजीसा साहब का केस भी कल इमरान खान साहब का मखसूस निशिस्तों वाला सुना जाना है, अतर मीनल्ला साहब ने इख्तलाफी नोट भी उस पर कह दिया। अब लग ये रहा है कि अदालत का मूड बिल्कुल शिफ्ट है और फैसला कहीं ना कहीं अभी स्पोर्ट्स आना शुरू हो गई है, नजर आना शुरू हो गया है। आप दो तरीके कह रहे हैं, दो के बाद ही हालात हमें भी नजर आ रहे हैं कि दो के बाद अदलिया का भी रुख तब्दील हो चुका है। लाहौर के एक चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने भी फैसला दिया है जो अदलिया में मुदाखलत होती थी, 6 निकाती एजेंडा दिया है कि सब जजेस अपने फोन रिकॉर्ड करेंगे और वजीर आजम को हुक्म दिया है कि कोई भी जो हमारे अदारे हैं वो अदालतों को अप्रोच नहीं कर सकते। तो हालात कैसे देख रहे हैं, हालात तो बिल्कुल पलट रहे हैं। जी ऐसे ही है हालात, और कहीं ना कहीं अदलिया में भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंटल सिचुएशन हो सकती है कि एक दूसरे से इत्तफाक ना करें, तो ये तो आपको नजर आ रहा है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो आप नशिस्तों की बात कर रहे हैं इसमें जो रिजल्ट आने वाला है ना वो मुझे इतना कोई खास नहीं दिख रहा कि वो डायरेक्टली पीटीआई के लिए आए। वो आएगा तो मतलब ऐसा रिजल्ट होगा कि पीटीआई को फिर उसके लिए एक मजीद लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो हुकूमत के पास भी नहीं जाएंगी सीटें। वो मतलब आप ऐसा रिजल्ट आएगा कि पीटीआई को फिर अपने इंतखाबी निशान की एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो सीटें हुकूमत को भी नहीं जाएंगी, तो फिर उसके बाद कहीं जाके पीटीआई को सीटें मिलेंगी। तो हालात मजीद हम आप जुलाई के महीने को मजीद सख्त तरीन कह रहे हैं कि जुलाई का महीना मजीद सख्त होने वाला है। जी सख्त इन सेंस उनके लिए होने वाला है जैसे मैंने आपको काफी दफा अर्ज किया है कि जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं या दो नंबर काम किए हुए, शॉर्टकट लिए हुए हैं, जिन्होंने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया हुआ है, ये उनके लिए सख्त होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है पूरी दुनिया की, गवर्नमेंट जिधर भी है वो सबको फेस करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड से प्रेशर, तो वो अपोजिशन से भी हो सकता है, लोगों से भी हो सकता है, तो ये आपको पूरी दुनिया में दिखेगा। पर अवाम के लिए भी सख्त तरीन हो गया है, जितने बिजली के बिल आ गए हैं, अवाम की तो चीखें निकली हुई हैं, उनके लिए तो जुलाई वैसे ही सख्त तरीन हो गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, और यही एक रीजन बन रहा है ना, अवाम को पुश कर रहा है बाहर निकलने पे। मतलब ये ऐसे तो अवाम बाहर नहीं आएगी, अवाम को भी कोई रीजन चाहिए बाहर निकलने का, तो वो जाहिर है जिन्होंने किया है उसकी वजह से एक रिएक्शन आ रहा है, ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन टाइम है। इन शॉर्ट अगर आप मुझे बोलें कि ये कौन सा टाइम है तो इसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। कहीं श्रीलंका वाले हालात या कीनिया वाले हालात तो नहीं देख रहे, उस तरह का साइचा पाकिस्तान का तो नहीं बन रहा? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन हालात उसके अरीब करीब जरूर हो जाएंगे। ऐसा लगता नहीं है कि वैसे हो जाएंगे, कि अंडर कंट्रोल हो जाएंगे और वो करने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट ही होगी, ये भी मैं बता दूंगी। हालात आखिर में जो कंट्रोल करने आएगी वो एस्टेब्लिशमेंट ही आएगी कंट्रोल करना, लेकिन हालात उस तरफ जाते हुए जरूर दिख रहे हैं मुझे। तो फिर हमारे जो मेहरबान लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब वो खामोश हैं, इन हालात में भी वो बिल्कुल ही चुप सानी हुई है, नजर मियां साहब आ भी नहीं रहे, तो छोटे मियां साहब के लिए तो हालात मजीद मुश्किल होते जा रहे हैं। फिर छोटे मियां साहब को क्या मशवरा दे रहे हैं आप?
मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ, उनके पास बड़े बड़े मशवरे देने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यही बोल सकता हूँ। अभी भी वक्त तो अभी भी इनके पास है, लेकिन बात ये है कि आप ये कहें कि अब ये कुछ कर सकें, अब वक्त गुजर गया उस चीज का, जिस वक्त कोई एक्शन करना था, एक्शन का वक्त गुजर गया, अब ये रिजल्ट का वक्त है, अब रिजल्ट के वक्त में कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। बिल्कुल सर, जिन्होंने फॉर्म 45 की जीत नहीं मानी और फॉर्म 47 वाले असेंबली में आए हो, तो अब वो वक्त गुजर गया जब आप उस पर इंसाफ कर सकते थे, उनके फैसलों पे जा सकते थे। तो अब नून लीग तो मतलब ये कि अपने पांव पे कलवाड़ी मार चुकी है, अपना जो मुस्तकबिल की सियासत है उसको बर्बाद कर चुकी है। मुस्तकबिल में यही लगता है कि नून लीग अपना जो एक बुनियाद खड़ी की थी उसको तो बिल्कुल खत्म कर चुकी है। अब वो आप देखें ना सर, वो लीडर ही नहीं है उनके पास, जो लीडर पहले मुस्लिम लीग नून में थे, अब वो इनकी खुद की पार्टी के अंदर इतने मसले मसाइल चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था 2-3 दफा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की आपस में टकराव है, तो ये आपस में एक पेज पे नहीं है, तो आप देखेंगे कि मरियम नवाज बहुत उसमें एक डिफरेंट वे में चल रही है। आप देखेंगे सिर्फ नून लीग में एक मरियम नवाज हैं जो एक डिफरेंट स्टाइल में चल रही हैं, वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि उनका करने का स्टाइल, उनका दिमाग, वो सब डिफरेंट है, जबकि शहबाज शरीफ उनको शाबाशी दे रहे होते हैं कि आपने अच्छा काम किया। उनको उनसे सीखना चाहिए कि भाई अगर कुछ कर रहे हैं, अगर वाकई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पूरी पार्टी को ऐसा करना चाहिए। तो अगर नून लीग डेफिनेटली बैक एंड पे ही जा रही है। आपसे बात करूं, पीटीए की हमने पहले भी बात की थी, अब पीटीए के पुराने जो खिलाड़ी हैं जो छोड़ गए थे, रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे, अब वो कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो गए हैं। फवाद चौधरी आए, उसके बाद अली जैदी साहब आ गए, उन्होंने भी कल टीवी पे बैठ के इंटरव्यू भी दिया। पहले इनको इजाजत नहीं थी इंटरव्यू की, अब इनको इंटरव्यू की इजाजत भी मिल गई। उन्होंने कहा है कि जी मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ, गले लग के रोना चाहता हूँ, उनकी रिहाई के लिए मैं मिन्नतें करने के लिए भी तैयार हूँ। तो कैसे खान की याद सताना शुरू होगी है, जो कभी रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, अब उनको अचानक ही इमरान खान की याद सताना शुरू होगी। सर वो बादल हट गए ना खान साहब के ऊपर से, तो बादल हट गए हैं, तो जितने भी जिन्होंने छोड़ा था, जिन्होंने मुश्किल वक्त में छोड़ा था, अब उनको याद तो सताएगी। अब यही बात है, जब किसी का बुरा वक्त आता है, मैंने आपको काफी दफा बताया है, सबसे पहले अपने लोग साइड पे हो जाते हैं, तो ये इनके अपने लोग थे जिन्होंने छोड़ दिया था। अब ये तो खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई जिन्होंने मुश्किल वक्त में छोड़ा है, खुदा ना खास्ता कल को मुश्किल वक्त आएगा तो ये क्या वापस खड़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि खान साहब इनको एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये आ भी रहे हैं ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। एक नई पार्टी भी इस मंथ में बनने जा रही है, उसका जायचा भी आपसे निकलवाएंगे। डेट उनकी जो 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई को आपने कहा कि बहुत बुरा वक्त है, तो वो भी देखेंगे। और 6 जुलाई को हम आपसे जरूर उस चीजों के बारे में पूछेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज यही है कि कुछ लोग अपने लिए खुद से इंतखाब कर लेते हैं, ये जो पत्थर होते हैं स्पेशली ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि मेरे पास 2-3 क्लाइंट आए हैं, उन्होंने यूज किए थे ऐसे स्टोन बिना किसी से पूछे, किसी से पूछवाए, तो उनको उनको बहुत खतरनाक रिजल्ट मिला है। तो आप बराए मेहरबानी कुछ भी पहनने से पहले किसी से कंसल्ट जरूर करें। सर, हम आपसे जरूर आपसे इन पत्थरों के बारे में भी पूछेंगे, एक अगर आपने कोई पत्थर पहनना है वो आपको किस तरह फायदा दे सकता है, क्योंकि बाकी करना तो अल्लाह की ताला की जात ने है, वो वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है, वही आपको रिजिक देने वाला है। तो ये पत्थर कितनी अहमियत रखते हैं सर से जरूर पूछेंगे, और पत्थर पहनने से पहले किसी से एक दफा जरूर पूछ लें, कोई इलम वाला बंदा हो तो उसे जरूर पूछें। सर थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।